सर वहाँ पे ऐसा कोई घटना नहीं है, हम लोग वीडियो देख के डर गए थे इसलिए हम लोग वहाँ से चले आए। वहाँ का माहौल ठीक था, वहाँ कोई दिक्कत ऐसा नहीं था माहौल। लेकिन सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है, वायरल वीडियो जो चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये सब अफवाह ही है और हम तो वहाँ से बहुत दिन से हैं, ऐसा कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं हुआ। काम हम सुरक्षित कर रहे हैं, किसी तरह का कहीं माहौल हमने वही वीडियो वीडियो जो वायरल हुआ अफवाह में उसी तरह का डर बना हुआ भले है, लेकिन वहाँ फिलहाल उस तरह का कोई उनको डर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। तमिलनाडु की जो घटनाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है, राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज है, अपने चरम पर है। विधानसभा में भी लगातार इसको लेकर जो विपक्ष के नेता हैं वो हमलावर हैं, जो भी प्रदेश की सरकार है उसके ऊपर। लेकिन जो तमिलनाडु की सरकार है वो जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर उसको लेकर सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो भी वीडियो सोशल मीडिया में चल रही है वो फर्जी है, और तमिलनाडु सरकार सीधा सीधा कह रही है कि ऐसा कोई भी माहौल तमिलनाडु के किसी भी कोयम्बटूर हो या फिर त्रिपुर की जो बात आ रही है सामने वो सारा फर्जी है। वहाँ की जो पुलिस है वो भी लगातार कह रही है कि ऐसी कोई भी घटना त्रिपुर और कोयम्बटूर में नहीं हुई है। कुछ मजदूर आए हुए हैं, जम्मू के पोहे गांव में मैं हूं मौजूद, और एक वीडियो और एक शख्स की बात बार बार सामने आ रही थी, अरमान, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके द्वारा ही यहां पर सूचना दी गई कि वहां पर हिंसा हो रही है। अरमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या अरमान, क्या घटना हुई थी वहाँ पर, उसके बारे में ज़रा बताएँ आप हमें विस्तार से, जो सच्चाई है वो बताइए। सर वहाँ पर ऐसा कोई घटना नहीं है, हम लोग वीडियो देख के डर गए थे इसलिए हम लोग वहाँ से चले आए, और भी हमारे भाई लोग वहाँ पे हैं, अब सब उन लोगों के साथ तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग सुरक्षित हैं वहाँ पे। अच्छा, आप लोग जब वहाँ पे थे, आप जिस मकान में छुपे हुए थे, कह रहे थे 4-5 दिन से आप लोग नहीं निकले हैं मकान से, उस मकान के आसपास कोई घटना हुई या आप लोग को किसी ने डराया धमकाया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं वहाँ पे, कोई डराया धमकाया जी नहीं। तो जो वीडियो वायरल वीडियो आप लोगों ने देखा था? जी हाँ, वायरल वीडियो देख के हम लोग डर गए थे। डर गए जी। तो वहाँ क्या लोकल पुलिस से कोई संपर्क हुआ था आप लोगों से? जी नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ। कोई संपर्क नहीं जी हुआ। नहीं, तो अभी जब आप वहाँ से जब चलने लगे तो रास्ते में कोई दिक्कत हुई हो या स्टेशन पर कोई दिक्कत हुई हो, कोई दिक्कत हुई थी आपको? दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ा त्रिपुर में दिक्कत हुआ था। क्या त्रिपुर में क्या दिक्कत हुआ? वो ट्रेन पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था और कोई सा दिक्कत नहीं था। अच्छा जी, अब आपके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि आपने सूचना दी थी यहाँ पर, यहाँ के कुछ जो पत्रकार हैं उनको, कि हम लोग फंसे हुए हैं और काफ़ी डरे सहमे हुए हैं, तो क्या उस वीडियो को देख करके सहमे हुए थे? जी सर, हम लोग वीडियो देख के डर गए थे और वहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं था, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं हुआ, हम लोग खाली वीडियो देख के डर गए थे। वहाँ पे कितने महीने से आप? हम वहाँ पे 8 महीने से थे। अच्छा, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं कितने दिनों से हो रही थी? वो 20-25 दिन से हो रहा है। 20-25 दिन जी। आपको कब सूचना मिली? हम लोग को 15 दिन हो गया ये सुने हुए ये सब। अच्छा, आपके साथ कितने लोग और आए हैं वापस? हम लोग के साथ 10 लड़का लोग आया था वो और लखीसराय जिले के थे वो लोग, ये गांव का मैं अकेला था। तो उन लोग के साथ भी कोई घटना घटी? नहीं, वो लोग किसी के साथ घटना नहीं घटा था। कोई घटना जी नहीं, कोई घटना नहीं। अच्छा, और जब स्टेशन पे आप लोग आए थे तो क्योंकि प्लान ट्रेवल किया हुआ था, मैंने टिकट पहले से बुक किया हुआ था आप लोगों ने, या फिर टिकट लेकर के आए? नहीं, टिकट फाइन मरवा के आए थे हम लोग। तो कोई घटना नहीं घटी? नहीं, कोई घटना नहीं घटी। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। आप भी वहीं से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम वहीं चेन्नई में रहते हैं। चेन्नई में मतलब कहाँ? मार्केट में रहते हैं हम, सब्जी मार्केट में। तो वहाँ पे क्या माहौल है? वहाँ का माहौल ठीक था, वहाँ कोई दिक्कत ऐसा नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है, वायरल वीडियो जो चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? ये सब अफवाह ही है और हम तो वहाँ से बहुत दिन से हैं, ऐसा कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, आप लोग आते समय कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, परेशानी नहीं। पोहे पंचायत के एक आदमी हैं, इनका भी परिचय हम लेंगे, लेकिन इनके जो कुछ रिश्तेदार हैं वो अभी भी तमिलनाडु में रह रहे हैं और वे लगातार संपर्क में हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलेश्वर ठाकुर, पंचायत पोहे के पूर्व मुखिया हम हैं। मेरे चाचा एक प्रमोद ठाकुर है, अभी हम बात किए उनसे तो बोले कि कहीं तरह का कोई दिक्कत नहीं है, घर से फ़ोन किया कि इस तरह का वीडियो बन रहा है, चले आइए। तो हम मालिक से बोले कि जाएंगे, वो ट्रैक्टर चलाते हैं,
और जो मकान उकान टूटता है उसका डस्ट मलवा जो है उसको फेंकते हैं बाहर में, तो मकान के जो मालिक हैं वो बोले कि अगर कहीं तरह का कोई दिक्कत देखे हैं तो बोलिए, बोले हम दिक्कत नहीं देखे हैं, काम हम सुरक्षित कर रहे हैं, किसी तरह का कहीं माहौल हमने वही वीडियो वीडियो जो वायरल हुआ हवा में उसी तरह का डर बना हुआ भले है, लेकिन वहाँ फिलहाल उस तरह का कोई उनको डर नहीं है। अभी जो वहाँ पे रिश्तेदार हैं वो लोग सेफ हैं ना? वो लोग ऐसी सेफ हैं, काम भी कर रहे हैं, वो अभी बात हुई मेरे टेलीफोन से, वो लोग आ तो नहीं रहे ना? नहीं, एक आ रहे हैं एक चाचा जो अभी हावड़ा पहुँचे हैं। अच्छा। लेकिन उन सारे लोग भी वही कह रहे हैं कि क्लिप मोबाइल में हम देखे हैं, तो हम बहुत प्रेशर होकर पूछे भी, प्यार से भी पूछे कि कहीं आप आँख से देखे इतना दिन सब्जी लाते हुए या फलना काम करते हुए चिल्ला, बोले नहीं देखे हमने, खाली सुने हैं, बोले सुने हैं बस यही सुनने, वीडियो देख करके। हाँ, जो भी है वीडियो देख करके हम लगातार संपर्क में, चूंकि मेरे गांव के बहुत सारे लोग हैं, चाचा हैं और लोग भी हैं, और सब लोग से हम संपर्क में, अभी हमारे ये ढूसो चौधरी बात कराए बगल गांव के हैं, उनसे भी बात किए और उनको पूछे भी कि कहीं किसी तरह का आप देखें अपने आँखों से, पर हम आँखों से कहीं नहीं देखें, जो भी मोबाइल पर सुने हैं वीडियो उसी का वीडियो वायरल से हम लोग भयभीत भले हुए, लेकिन कहीं नहीं देखे हैं, कंपनी में बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, सुरक्षित हैं। तो सुना आपने, ये पोहे गांव है, पोहे गांव के लोग हैं, कुछ लोग तो तमिलनाडु से, अरमान जो है वो कल ही लौटा है और एक और जो है वो भी दो तीन दिन पहले यहाँ पर लौटे, और इनका सीधा सीधा कहना है कि जो वायरल वीडियो सोशल मीडिया में चल रही थी उस वीडियो को देखकर ही ये लोग डर गए थे, सहमे हुए थे, और लेकिन आँखों से इन्होंने कुछ नहीं देखा और इन लोग के साथ कोई घटनाएँ भी नहीं घटित हुई हैं, आराम से ये लोग तमिलनाडु के जो त्रिपुर जगह है उस त्रिपुर जगह से जम्मू लौट चुके हैं, और इनका साफ साफ कहना है कि जो भी जो घटनाएं बताई जा रही हैं उन्होंने अपने आंखों से नहीं देखा है, जो भी वायरल वीडियो चल रही है उसी के आधार पर ये डर गए और डर कर वहां से भाग गए। तो अब देखिए क्या होता है, बिहार सरकार ने यहां से टीम भी भेजी है जो कि वहां पर जांच करेगी और जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। हालांकि अभी यहां पे जो समझ में आ रहा है कि जो वीडियो वायरल थी उसी से डरे सहमे लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। अब देखिए तमिलनाडु सरकार क्या एक्शन लेती है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।